बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। और हम कवर कर रहे हैं बीएड का कोर्स, और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पे आपके काम आएगा, तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और एक कम्प्रीहेंसिव वे से अंडरस्टैंड करना है हमने इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है कि जो टाइप्स हैं हमारे तीनों, फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो इनको ब्रॉडली कंसेप्ट को डिस्टिंग्विश करना है। जब आप एक दफ़ा डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये हमारे जो माशरे में रवाज है एजुकेशन का, तो कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं किस वक्त, जब आपने एक दफ़ा नाम के साथ इनको कंसेप्चुलाइज कर लिया, तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना इतना इशू आपके लिए नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अगर ब्रीफली मैं आपको एक समरी टाइप बताऊं जो आपको याद रखनी चाहिए, आगे चल के हम डिटेल में जब जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देंगी, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन वो निज़ाम है जो हम फॉर्मेलिटी के तौर पे एजुकेशन हासिल करते हैं। अब आपको कई सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने इवन के मास्टर डिग्री तक की हुई, लेकिन उनमें कई सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हमारा मुआशरा उनसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो जो नॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में, वो है कि हम स्कूल में एक बच्चे को दाखिल करवाते हैं और वो अपनी तालीम हासिल करते हुए डिग्रीज़ हासिल करता है। तो ये निज़ाम यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसने तालीम हासिल करनी होती है, और एक निज़ाम होता है जिसको उसने फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन होता है, तरीक़ाकार होता है, उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है, प्रॉपर रेगुलर इन टाइम जाना पड़ता है, और इन टाइम उसकी जो टाइम होता है उस पर उसकी छुट्टी होती है। तो उसका निज़ाम है, डिसिप्लिन है। तो फिर उसको जो पढ़ाया जाता है वो करिकुलम, वो एक्सपर्ट लोग जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं, और उसको जब पढ़ा दिया जाता है तो उसकी इवैल्यूएशन का तरीक़ाकार होता है। कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासरूम के अंदर, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, और कुछ लेबॉरेटरीज में होती हैं। तो जो करिकुलम डिज़ाइन किया होता है उसमें स्पेसिफिक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होता है कि जो एक क्लास पढ़ लेगा बच्चा उसके अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए, इन चीज़ों का उसको पता होना चाहिए। तो जो तालीम का निज़ाम और एक पूरे साल में उसको करिकुलम सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसकी जांच पड़ताल के लिए उसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आगे फिर चल के एग्ज़ाम की टाइप्स होती हैं, तो वो बाद का एक हमारा मरहला है। तो उसकी जब वैल्यूएशन होती है तो उसके बाद उसको डिग्री अवार्ड की जाती है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन हासिल करता है। तो ये हम एक बच्चे को स्कूल में भेज के डिग्री तक यूनिवर्सिटीज से वो एजुकेशन हासिल करता है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। अगर किसी ने फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की तो उसके पास डिग्री नहीं होगी, तो वो जो हमारा निज़ाम जहाँ पे जॉब्स वगैरह होती हैं तो रिक्वायर्ड फॉर्मल एजुकेशन की बेस पे ही कोई ना कोई उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर होना चाहिए, फलां होना चाहिए। इसके बाद होती है दूसरी इनफॉर्मल एजुकेशन, के एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, और उस हमारे मजहबी त्यौहार या मजहबी जो एक फ्रेज़ा है उससे लेके मरने तक हमारे निज़ाम में लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो एक बच्चा जब वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजारता है अपने माँ बाप के साथ, तो माँ उसको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, समझा रही होती है, और जब चलना शुरू होता है तो उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि इस चीज़ को आपने हाथ लगाना है, इसको नहीं लगाना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक। तो उसके अंदर हम चीज़ें इंसर्ट कर देते हैं, और जब स्कूल जाने से पहले और घर से बाहर निकलता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे दोस्त होते हैं जो उससे कुछ शरारतें सीखता है, आदतें सीखता है, और दूसरे हमसायों के पास जाता है तो उधर से कुछ बातें सीख के आता है और घर में वो बोलता है। तो ये हमारा, फिर उसके बाद दोस्तों में जाता है, उससे फिर एजुकेशन साथ चलती है, तो अपने से बड़े दोस्तों के पास जाता है, अपने हमसायों के साथ मिलता है, अपने सोशल ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करता है, खेल खेलता है तो उसमें और लोगों से मिलता है, इतमात में जाता है, कई महफिल में जाता है, कई सारी जगह पे वो जाता है,
तो जहाँ से उसकी परवरिश हो रही होती है और उसकी शख्सियत को ग्रूम किया जा रहा होता है। तो ये सारे के सारे होते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, जिससे उसको एजुकेशन हासिल कर रहा होता है। इसके बाद होता है एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो कि इन दोनों से हट के होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी होता है। मिक्सचर कैसे है कि एक बंदा उसने किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया, अब डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद उसकी आगे चल के जाके उस प्रोफेशन में जिसमें वो जाता है, अकाउंट्स या फाइनेंस में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा या टेक्निकल किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, तो उसकी ओरिएंटेशन होती है, उसको समझाया जाता है कि, और एक ही बैच में अगर लेट्स सपोज आर्मी में लोग चले जाएं, पुलिस में लोग चले जाएं, बैंक में चले जाएं, तो एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों का ओरिएंटेशन होती है, उनकी इंडक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है, तो वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, प्रोफेशनल होते हैं कि एक प्रोफेशन में उन्होंने क्या चीज़ें समझनी है, कैसे लेके चलनी है, तो वो जो उनके लिए एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। फॉर्मेलिटी उसमें ये होती है कि वो उसको भी जिस तरीके से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है, एक क्लासरूम होता है, एक पढ़ाने वाला होता है और वो सामने बैठे होते हैं और कोर्स के एंड पे उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन वो फॉर्मल नहीं है, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। तो ये तीनों टाइप्स थी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब हमने इनको वन बाई वन डिटेल से पढ़ना है, आप अपने नोट्स भी साथ में बना सकते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है वो है, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन है क्या। प्रोसेस ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स सुपरविजन, टीचिंग सेट प्लान, डेफिनेट एम्स एंड प्रिंसिपल्स इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो हर एक एलिमेंट को मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोसेस ऑफ टीचिंग है ये, यानी कि एक क्लास आगे जाती है तो पिछली क्लास दूसरी उसकी जगह ले लेती है और वो आगे चलता है, तो ये प्रोसेस है, यानी कि ख़त्म नहीं होता, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग। और इसमें क्या खूबी है, विच इन्वॉल्व सुपरविजन, ये इन्वॉल्व करता है सुपरविजन के, यानी कि एक स्कूल में आप जाएंगे तो बच्चे को कौन सुपरवाइज कर रहा होता है, उसका टीचर, और टीचर्स को कौन सुपरवाइज कर रहा होता है, हेडमास्टर, और हेडमास्टर को कौन सुपरवाइज कर रहा होता है, उस इलाके का जो एजुकेशन ऑफिसर है, और उसको कौन सुपरवाइज कर रहा, उसका एजुकेशन का आगे जो बोर्ड होगा उसकी जो बॉडी होगी उसको सुपरवाइज कर रही होगी, तो ये क्या है, इन्वॉल्व सुपरविजन। फिर इसमें टीचिंग होती है, क्योंकि एक टीचर जो है वो टीच करता है अपने स्टूडेंट्स को, तो क्या टीच करता है, ऐसे तो नहीं आता तो अपने मर्जी से जो पढ़ा दे, वो बल्कि पढ़ाता है सेट प्लान, जो पहले से प्लान डिज़ाइन किया गया होता है, फिर उसका पढ़ाने का एक डेफिनेट एम होता है, कुछ मकसद होता है, और उस पढ़ाने के कुछ उसूल होते हैं, डेफिनेट एम्स एंड प्रिंसिपल्स आर देयर, तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो हम अगर इसको दोबारा से डिफाइन करें, प्रोसेस ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व सुपरविजन, टीचिंग सेट प्लान, डेफिनेट एम्स एंड प्रिंसिपल्स इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें फर्दर जो हमारी टाइप है, या उसको हम मज़ीद डिटेल में जब अगर डिवाइड करते हैं इस पूरे फॉर्मल एजुकेशन को, तो प्लान विद पार्टिकुलर एंड इन व्यू, तो अगर एक प्राइमरी का बच्चा फर्स्ट से लेके पाँच क्लासेस पढ़ता है, तो उससे कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो छठी क्लास में आएगा तो पाँचवीं पास बच्चा, उसके अंदर कुछ ना कुछ अल्टीमेटली ये चीज़ें होंगी, तो जो उसका एक साल का निज़ाम होता है, यानी कि छठी क्लास है, सातवीं है, पाँचवीं है, जो भी है, तो उस साल में उससे कुछ डिज़ायर्ड एंड गोल होते हैं कि ये बच्चा पूरा करिकुलम एक साल पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएगा, तो एंड इन व्यू होता है कि हमने साल के आखिर तक इसमें ये चीज़ें डालनी हैं जो कि पहले मिसिंग है। तो इसको कैसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन इज़ प्लान्ड, ये प्लान्ड है विद पार्टिकुलर एंड, हमारे नज़र में भी है कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन व्यू, इट इज़ गिवन इन स्कूल, स्कूल में या कॉलेज में, एंड सिमिलर अदर इंस्टीट्यूशन विच आर इस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस, तो इस मकसद के लिए जो स्कूल या कॉलेज बनाए जाते हैं ये वहाँ पर कैरी आउट किया जाता है। इन दिस वे इट इज़ डायरेक्ट स्कूलिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्यूशन, तो ये क्या है, डायरेक्ट
एक स्कूल में होता है फिनोमेना जिसमें इंस्ट्रक्शन और उसको ट्यूट किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। सेकंड नंबर पे इसका क्या है कि लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड, एक लिमिटेड और स्पेसिफिक पीरियड पे ये मुहित होता है फॉर्मल एजुकेशन में। सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि इसमें एक साल की क्लास होती है तो साल उसका पीरियड स्पेसिफाइड होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड और स्टेज, इट इज़ प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू सर्टन सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये जो पीरियड होता है रूल्स और रेगुलेशन पे मुहित होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक प्लान एंड गाइडेड इंस्ट्रक्शन। तो उस पीरियड में उसको सिस्टमेटिक वे से लेके चला जाता है और जो प्लान्ड है उसको पढ़ाने के लिए तो उसको वो इंस्ट्रक्शंस एक गाइडलाइन के तौर पे दी जाती हैं। तीसरे नंबर पे हमारे जो टाइप है वो है वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक करिकुलम, कि जो निसाब पढ़ाया जाएगा वो ऐसे नहीं है कि आप उसको जिस तरीके से दिल है लेके चले जाएं, बल्कि वो एक वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड होता है और सिस्टमेटिक करिकुलम होता है उसमें। तो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि पहली क्लास में कुछ बुनियादी चीज़ें होंगी, उससे दूसरी क्लास में कुछ और, उससे एडवांस होंगी, इस तरीके से ग्रेजुअल एक प्लान्ड होता है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ ए वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक करिकुलम, यानी कि अंधाधुंध नहीं होता बल्कि एक सिस्टमेटिक वे से बनाया गया होता है। दिस करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन सर्टन एम्स, और ये जो निसाब बनाया जाता है उसका भी कुछ मकसद होता है और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दीज एम्स आर इन कन्फॉर्मिटी विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स सेट की जाती हैं अल्टीमेटली वो इसलिए उसको पढ़ाई जाती हैं या उसके अंदर डाली जाती हैं क्योंकि पूरी स्टेट उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है, सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए ताकि वो माशरे में सर्वाइव कर सके, चल सके और माशरे की कामयाबी और मुल्क की तरक्की के लिए वो अपना रोल अदा कर सके। चौथे नंबर पे है गिवन बाय स्पेसिफिकली क्वालिफाइड टीचर। तो ये जो निज़ाम है फॉर्मल एजुकेशन का, ये निज़ाम क्वालिफाइड टीचर डिज़ाइन करते हैं तो ये बनता है। तो फॉर्मल एजुकेशन इज़ गिवन बाय स्पेसिफिकली क्वालिफाइड टीचर, दे आर सपोज टू बी डिफरेंट इन द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो पढ़ाने से अलग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। फर्दर जो है पांचवा, इसमें क्या चीज़ क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या चीज़ मौजूद होनी चाहिए फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, वो है इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम। सारी की सारी चीज़ें क्लास में नहीं होती, कुछ उनको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जो उन्होंने मिल के स्टूडेंट्स ने करनी होती हैं या फिर टीचर की सुपरविजन में की जाती हैं या घर से करके आना होता है। इन मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्कूल्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मेयरली रेस्ट्रिक्टेड टू द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, देर आर मोर एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम दैन इनसाइड इट। तो उस निज़ाम में, ये जो मॉडर्न निज़ाम है, उससे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी कुछ परफॉर्म करे। छठे नंबर पे है ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जो भी फॉर्मल एजुकेशन इदारा होगा जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन डिलीवर की जा रही है, तो वहाँ पे कुछ निज़ाम होगा, उसमें नज़म व ज़ब्त होगा। फॉर्मल एजुकेशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, द पीपल एंड द टीचर आर बोथ अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड एंगेज देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। बच्चे को पता है मैंने टीचर से कैसे इंटरेक्ट करना है और टीचर को अपनी जो है वो डिसिप्लिन का पता है कि मैंने बच्चे से किस हद तक डिस्टेंस रखना है और उसको क्या कुछ पढ़ाना समझाना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी सोसाइटी में हमारे वालदैन, हमारे हमसाए, हमारे दोस्त, हमारे बड़े हमें पढ़ाते हैं, उनसे हम सीखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ द प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है, बाय विच अ पर्सन इम्बाइड्स एटीट्यूड्स, उसका एटीट्यूड रवैया बनता है। समटाइम वो छोटा होता बच्चा तो कई ऐसे काम करते हैं, दूसरे हंसते हैं तो हंसने से वो उसमें सेंस पैदा होता है कि मैं ये कुछ गलत कर रहा हूँ, तो माशरा उसको खुद ही ठीक कर रहा होता है जो वो गलत चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अगर एक बच्चा फीमेल बच्चियों में रहे तो वो बच्चियों जैसी हरकतें करेगा, लेकिन जब वो लड़कों में जाएगा तो बच्चे उस पर हंसेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक करेगा। कोई झूठ बोलता है तो दूसरे उसकी बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो झूठ छोड़ देगा। तो ये हमारा सोसाइटी कुछ उसको पढ़ाती है। डिवेल्प स्किल,
उसके अंदर स्किल भी आती है, कल्टिवेट्स वैल्यूज़, उसके अंदर अकदार का पता चलता है उसको, एंड अक्वायर्स नॉलेज, और वो इलम हासिल करता है अबाउट द सोसाइटी जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम अबाउट इट, जिनको बताने के लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है। इखलाकियात या वैल्यूज़, इकदार, ये चीज़ें हमें कुछ नहीं पढ़ाई जाती, हमारा मुआशरा खुद हमें पढ़ाता है। दिस वुड इंक्लूड अटैम्प्ट ऑफ पेरेंट्स, इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं, हमारे वालदैन एंड एल्डर्स, हमारे बड़े, इन दी फैमिली एंड कम्युनिटी, और जो हमारे कम्युनिटी है, माशरा है, वो भी इसमें रोल अदा करता है, टू हेल्प द यंग वंस ग्रो एंड अडाप्ट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, के अपने माशरे के मुताबिक वो अपने आप को ढाल के चलें। इनफॉर्मल एजुकेशन विद आल्सो इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस वाइल एट वर्क, जब वो काम कर रहा होता है तो भी उसकी कई सारी रहनमाई ऑटोमेटिकली हो रही होती है, और एट प्ले एंड ड्यूरिंग ट्रैवल्स, जब वो सफ़र करता है, जब वो खेल के मैदान में होता है तो भी उसकी लर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है, उसको बताया जाता है कि ये करना है ये नहीं करना, एज वेल एज स्पॉन्टेनियस लर्निंग थ्रू फिल्म्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। तो हमारे माशरे पे ही बनी हुई फिल्में जो है वो देखने से बच्चे को पता चलता है कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता गलत है। यानी कि एक फिल्म में एक अच्छा रोल होता है, एक बुरा रोल होता है, बुरा रोल डिसलाइक किया जाता है और अच्छा रोल जो है वो लाइक किया जाता है, अल्टीमेटली उसको मुआशरे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, इट्स करैक्टरिस्टिक्स आर। तो जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये उसकी एजुकेशन हो रही होती है, इंसिडेंटल होता है, यानी कि ये वालदैन जब बच्चे को बाहर भेजते हैं या बच्चा बाहर जाता है उसका कोई इरादा नहीं होता कि मैं ये चीज़ सीख के आऊँगा, लेकिन कुछ भी वो चीज़ वाकई हो रही होती है, उसमें पार्टिसिपेट करता है या वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो इंसिडेंटल लर्निंग उसकी हो जाती है, ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली वो बड़ा हो रहा होता है तो जो जो उसका रोल बनता है वो उससे सीख रहा होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस, देर इज़ नो कॉन्शियस एफर्ट्स इन्वॉल्वड इन, यानी कि इसमें कोई इरादा नहीं चीज़ें होती। कॉटियसिस जेंटलनेस एट्सेट्रा लर्न इन मार्केट प्लेस और इन होटल और इन वन सिटिंग रूम इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये सारी की सारी टाइप्स क्या हैं, ये जो इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इंसिडेंटल है और स्पॉन्टेनियस है। दूसरा कौन सा है, नाइदर प्री प्लान नॉर डेलिब्रेटेड, यानी कि ये प्री प्लान भी नहीं होता और इरादतन भी नहीं ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती, बल्कि ये इंसिडेंटल, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। इनफॉर्मल एजुकेशन इज एन एजुकेटिव एक्टिविटी विच इज़ नाइदर प्री प्लान नॉर डेलिब्रेट, यानी कि इरादतन नहीं है। द चाइल्ड लर्न मैनी हैबिट्स, कई सारी वो आते सीखता है, मैनर्स एंड पैटर्न्स वाइल लिविंग विद अदर्स, जब दूसरों के साथ चलता है, बैठता है, बात करता है तो वो चीज़ें सीखता है, और मूविंग इन डिफरेंट सफियत लाइक होम, सोसाइटी, ग्रुप्स, तो एक ही वक्त में वो कई सारी चीज़ों को सीखता है, वालदैन से किस तरीके से, वालदैन कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, दोस्त कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, बड़े कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, हमसाए कुछ और सिखा रहे होते हैं, स्कूल में जाता है तो टीचर कुछ और सिखा रहे होते हैं, जो अलग निज़ाम होता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में है वो है Not imparted by any specified या specialized agency. ये कोई specific एक जगह नहीं है जहाँ पे आपको informal education होती है, बल्कि ये mixture है। तो unlike formal education, informal education is not imparted by any specialized agency such as school or college. ये school और college में नहीं होती बल्कि community के अंदर ही होती है, और community में बहुत सारे लोग groups हिस्सा लेते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, नॉट प्रिस्क्राइब टाइम टेबल और करिकुलम, ये कुछ बताया नहीं गया, ना इसका कुछ सिलेबस होता है कि इस एज तक ये चीज़ें सीख लेनी है, इस एज तक ये चीज़ें सीख लेनी है, ये कोई डिफाइंड नहीं है। तो ये नॉट प्रिस्क्राइब्ड है, यानी पहले से डिज़ाइन शुदा नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, तो ये बात की गई है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट गिवन इन अकॉर्डिंग टू एनी फिक्स्ड टाइम टेबल और थ्रू फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन, देयर इज़ नो सेट करिकुलम रिक्वायर्ड, इसके लिए करिकुलम भी नहीं रिक्वायर्ड होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट इन एक्सपीरियंसेस, ये तजर्बात से हासिल होती है, एंड एक्चुअल लिविंग इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, तो फैमिली और कम्युनिटी में रहने से ही ये चीज़ हासिल हो सकती है। पांचवी जो इसकी करैक्टरिस्टिक है इनफॉर्मल एजुकेशन की, वो है मे बी नेगेटिव एजुकेशन आल्सो। तो हमारी सोसाइटी में टीवी देखें, ड्रामे देखें, कई सारी चीज़ें नेगेटिव सिखाई जा रही होती हैं। आजकल तो दौर ऐसा है, टिकटॉक देखें या फिर जो फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, तो इन पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रही हैं।
जो कि करेक्टर को नेगेटिव साइड पे लेके जा रही है, मे बी नेगेटिव, तो ये भी एजुकेशन तो होगी ना, वाला उसकी लर्निंग हो रही है। इनफॉर्मल एजुकेशन मे टेक टू नेगेटिव डायरेक्शन आल्सो, इंस्टेंसेज आर नॉट रेयर व्हेन वन लर्न्स स्टीलिंग और सम अदर फॉर्म्स ऑफ मिसबिहेवियर। जब बदतमीजी सीखते हैं, चोरी चकारी सीखते हैं, तो ये गलत डायरेक्शन में हो जाता है। फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस विच द चाइल्ड मे कैजुअली हैव इन द स्ट्रीट, इन द मार्केट, इन द सिनेमा हॉल और इन सम अदर सच प्लेसेस। जो चीज़ें वो फिल्म में देखता है, गली बाजार में कहीं हो जाता है, टीवी पे कोई क्राइम सीन दिखाए जाते हैं, तो उनसे बच्चे सीखते हैं कि ये इस तरह चीज़ें भी होती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कि प्रोफेशनल एरिया में चीज़ होती है, वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये माखिज कहाँ से है, एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये ओवरऑल फॉर्मल एजुकेशन से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कोई डिग्री शिग्री अवार्ड नहीं की जाती, ना हर एक को उसको पार्टिसिपेट किया जाना ज़रूरी होता है, बल्कि एक स्पेसिफिक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए उसी डिज़ाइन पे तो इसको नॉन फॉर्मल, इसलिए ये इनफॉर्मल में नहीं आता बल्कि नॉन फॉर्मल में। जैसा कि हमने देखा कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं दे रही होती, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी दे रही होती है। तो इसलिए ये एक मिक्सचर टाइप है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द रीसेंट कंसेप्ट गेटिंग इन टू यूज। इन्वॉल्वमेंट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आउट इंटरेस्ट इन मेकिंग एजुकेशन अ लाइफ लॉन्ग अफेयर रैदर दैन अ मैटर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो है डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि फॉर्मल एजुकेशन से ही इसको लिया गया है। द एक्सप्रेशन नॉन फॉर्मल इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल इन फॉर्मल एजुकेशन बाई यूजिंग द प्रीफिक्स नॉन। तो यानी कि फॉर्मल एजुकेशन से पहले आपने प्रीफिक्स नॉन लगाया तो ये बना है। दूसरे नंबर पे इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, वो है आउटसाइड द रियलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि ये रियलम जो हमारे पास रियल एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इससे आउटसाइड है, इसके मैंडेट में वो नहीं आता, इसका हिस्सा वो नहीं लेता। यानी कि यहाँ पे अगर कोई आपकी कमी है एजुकेशन में तो वो वहाँ पे आपको सिखाई नहीं जाएगी। यहाँ पे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है उसमें प्रोफेशनल एटीट्यूड और उसकी लर्निंग और वर्किंग नहीं सिखाई जाती, जबकि उसमें बाहर सिखाई जाती है, जो कि एक इदारा जहाँ पे वो हायर किए जाते हैं वहाँ पे सिखाया जाता है। तो इसलिए ये आउटसाइड द रियलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड, बट आउटसाइड द रियलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एनी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एजुकेशन एक्टिविटी कैरिड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम वेदर ऑपरेटिंग सेपरेटली और एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सम ब्रॉडर एक्टिविटी दैट इज intended to serve identifiable learning clientele and learning objective। तो ये specific एक group होता है जिनको ये पढ़ाया समझाया जाता है। तो ये था हमारा इसकी दूसरी characteristic। तीसरी इसकी characteristics है ये कि conscious and deliberate है, यानी कि ये informal education की तरह गैर इरादी तौर पर नहीं होती, बल्कि इरादी तौर पर और समझ से, सोच समझ के ये किया जाता है, इरादी तौर पर किया जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ कॉन्शियसली एंड डेलिब्रेटली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंटेड। जैसा कि एक बैंक में अगर कोई नया एम्प्लॉय जाता है तो उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, और जाते ही उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मकसद क्या होता है कि उसको उस सोसाइटी में, उस नए इन्वायरमेंट में उसको रेगुलेट किया जाए। चौथे नंबर पर जो इसका फीचर है वो है टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर होमोजेनियस ग्रुप। तो इसमें मुख्तलिफ लोग नहीं होते कि एक साइंस का स्टूडेंट है, एक आर्ट्स का है, एक कॉमर्स मैनेजमेंट साइंसेज का है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का है, सोशल साइंसेज का है, तो इस तरीके से नहीं होगा। बल्कि एक बैंक में जॉब करने वाले जो जिन्होंने एम बी ए रिक्वायर्ड था, एम बी ए की बेस पर अप्लाई किया और जॉब उनको मिल गई, तो वो एम बी ए वाले ही लोग होंगे जो एक क्लास में बैठे होंगे या कुछ लर्निंग के लिए उनको बिठाया गया होगा इंडक्शन के लिए। तो ये क्या है, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब एक जैसी खसूसियत रखने वाले, एक जैसा माइंड तकरीबन रखने वाले। सेम टू सेम तो कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन निस्बतन रिलेटिव होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजेनियस ग्रुप, सच एज ग्रुप हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग नीड्स।
ताकि उनकी ज़रूरियात का पता चले कि वो क्या सीखना चाहते हैं। पाँचवें नंबर पे जो करेक्टरिस्टिक है, सर्विंग द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप, जो आइडेंटिफाई एक दफ़ा ग्रुप कर लिया जाए तो उसको ये इम्पार्ट की जाती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम्ड टू सर्व द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। दिस विल नेसेसिटेट फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन ऑफ द करिकुलम एंड द स्कीम ऑफ इवेल्युएशन। तो उनकी स्कीम भी इवेल्युएशन का एक अपना तरीकाकार होगा। तो ये सारा के सारे करेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की, जो कि पांच हमने पढ़ी, जिनमें सबसे पहले थी डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन, दूसरे नंबर पे थी आउटसाइड द रियलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, तीसरे नंबर पे इसकी करेक्टरिस्टिक थी कि ये कॉन्शियस और डेलिब्रेट होता है, चौथे नंबर पे था टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर होमोजेनियस ग्रुप, और पाँचवें नंबर पे था सर्विंग द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप, कि वो एक आइडेंटिफाइड ग्रुप की ज़रूरत को पूरा करता है। तो ये था हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।